राजधानी जयपुर के मालवीय नगर में नगर निगम की ओर से सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान मालवीय नगर के प्रधान मार्ग स्थित दाना पानी रेस्टोरेंट में निरीक्षण किया गया और इसके दौरान अग्निशमन उपकरण नहीं मिलने के चलते उसे सील कर दिया गया। ये कार्रवाई नगर निगम के मोती डूंगरी जोन की ओर से की गई। इस जोन ने उपायुक्त मनीष ने बताया कि रेस्टोरेंट संचालक को पहले भी इस संबंध में कई बार नोटिस जारी किया गया, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इसी के चलते नगर पालिका के अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत 240 दिन के लिए इस रेस्टोरेंट को अब सील कर दिया गया है। आपको बता दें, नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई दी। जयपुर का जाना माना रेस्टोरेंट दाना पानी, जिसको 240 दिन के लिए अब नगर पालिका ने अधिनियम 2009 के तहत सील कर दिया है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिनेश, जाना माना रेस्टोरेंट है और उसी के संचालक ने इतनी बड़ी लापरवाही करी, बार बार नोटिस जारी किए जाने पर भी, और अब नगर निगम ने उचित कार्रवाई की है। जी ज्योति, मालवीय नगर में प्रधान मार्ग पर दाना पानी रेस्टोरेंट पर यह कार्रवाई हुई है। मोती डूंगरी जोन की ओर से यह कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ दिनों पूर्व भी निरीक्षण में वहां अग्निशमन उपकरण नहीं पाए गए थे, लेकिन पहले निगम की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया था और अब भी दोबारा जब निगम ने निरीक्षण किया, निगम की टीम ने, तो आज भी जो सुरक्षा उपकरण है अग्निशमन के, वो आज भी नहीं मिले। इसके चलते आज जो जोन उपायुक्त है मोती डूंगरी मनीष फौजदार, उन्होंने यह कार्रवाई की है और 242 दिन के लिए सील किया गया है रेस्टोरेंट को। जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें, अग्निशमन उपकरण के चलते यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद जब इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मोती डूंगरी जोन ने यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।